आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित पंडित ब्रोज ब्रोज में। में दोस्तों जो आज की वीडियो है ना काफी सस्पेंस भरी है और काफी अमेजिंग भी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो का टाइटल है क्या भगवान ब्रह्मा और पैगंबर इब्राहिम एक ही थे, और क्या दुनिया ने सभी धर्मों का एक ही स्वर से निकले हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि जो हमने टाइटल सुना तो हम भी काफ़ी शौक रह गए, क्योंकि जो इब्राहिम है जो कि तीन धर्मों के जनक माने जाते हैं, और जो हमारे जो ब्रह्मा भगवान है जो हिंदू धर्म के, वो भी एक पूरे जो जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, तो उनका दोनों का कंपैरिजन इसमें बताया गया और क्या इस वीडियो में खास होने वाला। चलिए वीडियो देखते हैं। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। अब्राहम, जिनसे दुनिया के तीन सबसे बड़े धर्म ईसाई, यहूदी और इस्लाम का जन्म हुआ, क्या वो असल में ब्रह्मा थे? जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि इन तीनों धर्मों का जन्म एक ही व्यक्ति अब्राहम के वंशजों से हुआ है, जिस कारण इन धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। ये तीनों धर्म कैसे अस्तित्व में आए, ये जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं जो आजकल काफी वायरल हो रहा है। खैर, हम आते हैं अपने विषय पर। चूंकि हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माता माना जाता है, कहा जाता है कि उनसे ही सृष्टि का जन्म हुआ है, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अब्राहम, यानी इस्लाम में हजरत इब्राहिम भी कहते हैं, वही ब्रह्मा थे? आज कुछ ऐसा बताऊंगा कि खोपड़ी हिल जाएगी, बस अंत तक बने रहिए हमारे साथ और आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दरअसल अब्राहम ब्रह्मा से मिलता जुलता शब्द है। कुछ मतों के अनुसार इनका नाम ब्राहम था, क्योंकि अरबी में किसी को सम्मान देने के लिए उसके नाम के आगे अलिफ का आ जोड़ दिया जाता है, इसलिए इनका नाम ब्राहम से अब्राहम हो गया। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अरबी में प्लेटो को अफलातोन कहते हैं? आइए देखते हैं कैसे। असल में अरबी में पा और टा वर्ड का अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ पा को फा कहते हैं और टा को ता, तो ऐसे में प्लेटो का हो गया फ्लेटो और उनके नाम के आगे आ लगाने से हो गया अफलातोन। अब्राहम के ब्रह्मा होने का दूसरा सबूत मिलता है उनकी पत्नी से। ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों मान्यताओं के अनुसार अब्राहम की पहली पत्नी का नाम सारा था, जो ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती से मिलता जुलता है। अब्राहम बुत परस्ती को गलत मानते थे, बुत परस्ती यानी वर्शिप ऑफ थिंग्स। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी भी हिंदू धर्म में इकलौते ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा नहीं की जाती या फिर जिनकी पूजा करना वर्जित है। कारण चाहे कुछ भी हो, किंतु ब्रह्मा जी की यह विसंगति उनके अब्राहम होने की ओर संकेत जरूर करती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे अन्य भगवान दाढ़ी नहीं रखते थे, वहीं ब्रह्मा जी हमेशा दाढ़ी में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी की दाढ़ी का यह चित्रण ईसाइयों, यहूदियों द्वारा चित्रित अब्राहम के चित्रण से भी मेल खाता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि अब जो दिखाने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। सफेद दाढ़ी में दिख रहे ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान हैं, और वहीं अब्राहम को भी कमल पसंद है, इसलिए यहूदियों के सभी गिरजाघरों में कमल की आकृति देखने को मिलती है। यहाँ तक कि इस्लामिक इमारतों में भी कमल के फूल की आकृति देखी जा सकती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में आर्य पश्चिमी एशिया के देशों से आए थे, हालांकि यह एक शोध का विषय है। ईरान का प्राचीन नाम आर्यान था। सीरिया में बोगाज कोई सभ्यता से मिले अवशेष बताते हैं कि वहाँ पहले आर्यों का शासन था। तो अगर हम इन सबको सच माने तो हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि अब्राहम ही ब्रह्मा है, क्योंकि अब्राहम और उनके वंशजों का पूरा जीवन यहीं पश्चिमी एशिया में ही बीता था। वैसे ये सब बातें पर्याप्त होंगी भगवान ब्रह्मा को हजरत इब्राहिम साबित करने में, ऐसा नहीं कह सकता। किंतु इनके अलावा और भी ऐसे कई छोटे मोटे प्रमाण हैं जो हमारे देवी देवताओं और इन धर्मों के नवियों में देखने को मिलते हैं, जिनकी बात हम आगे करते रहेंगे। वैसे आप इस पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। जय हिंद। जो इस वीडियो में जो ये बताया, जो अब्राहिम है वो फादर ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियन और इस्लाम, उनके फादर माने गए हैं। और ऐसे हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें जो क्रिएटर ऑफ गॉड ऑफ क्रिएटर को ब्रह्मा जी माना गया है, और उन्होंने इन दोनों से क्या सिमिलरिटी है वो बताई गई है। हाँ, इसमें काफ़ी बताया गया, सिमिलर बातें बताई गई, जैसे ब्रह्मा जी ही सृष्टि के रचयिता हैं, और इब्राहिम भी, जैसे इनके जो इस्लामी धर्म जो तीनों धर्मों के स्थापक बताए जा रहे हैं, और इन्होंने बताया काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन करा, जैसे उनको कमल का फूल पसंद है ब्रह्मा जी को, इनको भी कमल का फूल पसंद था, और इनकी दाढ़ी लंबी थी सफ़ेद वाइट रंग की, जैसे कि हमारे हिंदू भगवानों में और किसी की दाढ़ी नहीं है, मगर ये जो ब्रह्मा जी उनकी दाढ़ी है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब कि इनका मेल जोल बताया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इनका जो नेम है, मतलब जो अब्राहिम, उन उसमें भी ब्रह्मा छुपे हुए हैं। तो इसको मतलब ऐसे कुछ फैक्ट्स बताए इन्हें जो मतलब इनको पॉइंट आउट करता है कि जो इनकी अब्राहिम है वही ब्रह्मा है। और उन्होंने ऐसे ही इन्होंने ये लास्ट में ये भी बताया कि ये मतलब दो चार बातों से ये पूरे मतलब तरह से पुष्टि नहीं हो जाती कि वही ब्रह्मा है। तो इन्हें बस एक तरह से कोई फैक्ट है वो खुलासे किए हैं।
हाँ, इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि क्या पता कभी ऐसा भी होता होगा कि जो ब्रह्मा जी हैं और जो इब्राहिम भी एक ही होते हैं। तो इन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है बताने के लिए कि हाँ, ऐसे कंपैरिजन भी बताया गया, उनकी सिमिलरिटी भी बताई गई है। और ये बात कहाँ तक असर दोस्तों, हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि कहाँ से ये बात आई है, कहाँ कितनी सच है, तो इसका हम कोई अभी आपको पुष्टि बता नहीं सकते। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। नमस्ते नमस्ते दोस्तों। दोस्तों।